अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं जिस फ्रेगरेंस के बारे में बात करूंगा वो है फ्रॉम द हाउस ऑफ मॉन्ट ब्लैंक। और जी मैं बात करूंगा मॉन्ट ब्लैंक के एक्सप्लोरर के बारे में। ओके आए चलिए पहले इसको खोल के देखते हैं। लेट अस जस्ट अनबॉक्स इट। ये एक्सप्लोरर मॉन्ट ब्लैंक ऑडी परफ्यूम 100 ml। और इसको खोलते हैं, ये इस तरह से बॉक्स है इसका, मैंने निकाला। और ये है जी मॉन्ट ब्लैंक एक्सप्लोरर की बॉटल। बड़ी खूबसूरत, बड़ी एलिगेंट किस्म की बॉटल है। और ये मुझे थोड़ी सी जो है ना डिज़ाइन उस तरह का लग रहा है जिस तरह से डनिल की आइकन सीरीज है, उस तरह की सी बॉटल मुझे लग रही है। और सेम वेट भी उसी तरह काफ़ी हैवी है, लेकिन मुझे उससे थोड़ी सी बॉटल अच्छी लग रही है कि ये इसमें ये बड़ा लेदरी सा कवर है इसका। और उसकी बॉटल में तो खाली टेक्सचर है, लेकिन इसमें ये लेदरी सा कवर है। एंड ये देख लें, प्रॉपरली स्टिच्ड है, ये बिल्कुल लेदर है, स्टिच्ड है। और ये मॉन्ट ब्लैंक का मोनोग्राम ऊपर पेस्ट हुआ हुआ है, और बड़ा अच्छा सा मेटल कैप है। अंदर से प्लास्टिक है लेकिन बाहर से मेटल है, मेटल कैप है बड़ा अच्छा। और ऑटोमाइज़र भी बड़ा अच्छा है, क्रोम क्रोम कलर का ऑटोमाइज़र है, बड़ा अच्छा है। और स्प्रे भी इसका बहुत अच्छा है, ये देखें स्मूथ पफ, बड़ा अच्छा स्प्रे है इसका। तो अगर मैं इस फ्रेगरेंस के बारे में बात करूं तो ये मॉन्ट ब्लैंक की जो रिलीज़ है ये इन्होंने किया है, करंट ईयर में ही किया है, फरवरी 2019 में। और बड़ा अच्छा, ये मुझे तो खैर बहुत पसंद आया है। और इसके अगर मैं नोट्स की बात करूं तो नोट्स में इसके जो डोमिनेंट नोट्स हैं वो मुझे जो फील हुए हैं वो शुरू में इनिशियली जो है ना ये वो बर्गामॉट, एम्ब्रॉक्सन और वुडी टाइप नोट्स दे रहा है। जैसे जैसे ये सेटल डाउन होता जाता है थोड़े से पेपरी नोट्स भी देता है ये, और वेटिवर वेलवेट टाइप बड़ा बेहतरीन सा। और एंड पे जब ये सेटल डाउन होता है, जो इसके बेस नोट्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स होते हैं, उसमें ये पेचुली और काकाओ पे आके जो है ना वो रुक जाता है। और आप यकीन करें कि बहुत बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है ये, और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई है। और अगर मैं इसकी साइलेज के बारे में बात करूं तो काफ़ी मॉडरेट सी इसकी साइलेज है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हैवी है, बस मॉडरेट सी इसकी साइलेज है। बड़ा अच्छा है, पिंचिंग नहीं है, और जो प्रोजेक्शन है इसकी वो भी काफ़ी अच्छी है। और परफॉर्मेंस के हवाले से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 8 to 10 hours अगेन इसकी लास्टिंग है, इससे कम नहीं, और मैं भी इससे ज़्यादा भी लास्ट कर सकती है। स्किन के ऊपर ये मेरे लास्ट करती है फ्रॉम 7 to 8 hours, और क्लोथ्स के ऊपर अगर मैं लगाऊं तो ये मेरे लास्ट करती है 8 to 10 hours। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और आप इसको एंजॉय करेंगे इस फ्रेगरेंस को, बहुत अच्छी रिलीज़ है। किसी भी सीज़न में इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस इसकी आएगी करंट सीज़न में, यानी कि विंटर सीज़न में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर आएगी। और प्राइस के हवाले से अगर मैं इसके बात करूं तो 11,000 PKR इसकी प्राइस है। और फिर अगेन मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलती है तो इट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन जो इसकी जेन्युइन प्राइस है वो 11,000 PKR है, पाकिस्तानी रुपीज़। और ये 100 ml की बॉटल है, और इसकी जो कंसनट्रेशन है वो ओडी परफ्यूम है, EDP कंसनट्रेशन है, EDT में ये नहीं आता मेरा ख्याल से। और That's all from this house. Again, मैं आपको कहूँगा कि मस्ट ट्राई फ्रेगरेंस है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, करंट रिलीज़ है इसी साल 2009 फरवरी में ये मॉन्ट ब्लैंक ने रिलीज़ किया। एक्सप्लोरर आपको नाम से थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि काफ़ी एडवेंचरिक किस्म की जो है ना ये फ्रेगरेंस है, और काफ़ी फ्रेश फ्रेगरेंस है, बड़ी वार्म सी फ्रेगरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। एंड इफ़ यू वॉन्ट एनी क्वेश्चन, क्यूरीज यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज़ कमेंट कमेंट, और मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला उसका जवाब दूंगा। सो
सो लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।